लोक कल्याण के कार्यों में अनियमितता घोटालेबाजों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। कुछ खबरें सामने आई है और कुछ पर्दे के पीछे रह जाती है, लेकिन आज आपको जो दो मामले हम बताने वाले हैं, यकीन मानिए इसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा और सरकारी तंत्र की व्यवस्था पर तरस। पहली घटना कोरका के सनातन गांव की है। कोरका के सनातन गांव में तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसका वहां ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि खुदाई के दौरान जो मिट्टी तालाब से निकाला जा रहा है उसे जहां तहां फेंक दिया जाता है, और जो गाड़ियां खुदाई में इस्तेमाल की जा रही है वह गाड़ी किसानों के निजी खेत पर फसल बर्बाद कर दे रही है। खोदी गई मिट्टी को ग्रामीण जिस सड़क से आवाजाही करते हैं उस सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिससे कि ग्रामीणों को आने वाले बारिश के मौसम में खेती करने में और ट्रैक्टर से खेतों की तालाब के आसपास के खेतों की जुताई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से तालाब की खुदाई हो रही है उसे लेकर ग्रामीणों में सबसे ज्यादा रोष है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रामीणों का आरोप सही है तो क्या इस प्रकार से अनियमितता सही है? आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी एक्सप्रेस न्यूज ने खटनाई में चल रही योजना पर खबर चलाया था, लेकिन फिर आज की ये दो घटनाएं सामने आई है। अब बात दूसरी खबर की। दूसरी खबर भी सनातन गांव की ही है। आपको बता दें कि सनातन गांव में जलापूर्ति योजना के तहत सोलर पैनल के साथ टंकी और नलकूप लगाया गया है और यह काफी दिनों से बंद पड़ा है। इस भरी गर्मी में वहां रह रहे लोगों और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिससे ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन हमारी तंत्र व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अभी तक इसका सूद लेने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं समझी। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने मुखिया से कई बार किया, पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। इसे ठीक कराने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल ये है कि 3,84,000 की लागत से बना सौर ऊर्जा जलापूर्ति योजना क्या ग्रामीणों के लिए सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है? क्या इस तपती गर्मी में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए आज के डिजिटल भारत में मोहताज होना पड़ेगा? सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब मांगने जब हम लघु सिंचाई प्रमंडल गोड्डा के कार्यपालक अभियंता सुरेश सिंह के पास पहुंचे तो हमें उनका ऑफिस खाली मिला। ऑफिस में मौजूद कर्मचारी से जब हमने इंजीनियर साहब के बारे में पूछा तो कर्मचारी ने ऐसे मुंह बनाया जैसे आज तक कार्यपालक अभियंता का नाम ही नहीं सुना हो, और तो और यह भी कह डाला कि हमारे पास उनका नंबर नहीं। अब आप खुद सोचिए कि क्या यह संभव है कि किसी कर्मचारी के पास उनके सीनियर का नंबर ना हो। खैर बात जो भी हो, लेकिन जिला प्रशासन को इस मामले में अविलंब संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया है कि बिना रसूखदारों और प्रशासन की मिलीभगत से ऐसी अनियमितता को अंजाम नहीं दिया जा सकता। पानी तो जल के अभाव में हम लोगों को 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। अच्छा। जिसके घर में है चापाकलू, सबको नहीं भरने देता है, उसका काम होता है, लेकिन जिसको पीने के लिए और काम करने के लिए किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है लाने के लिए। शिकायत नहीं किया इसका आप लोग? शिकायत यहाँ से मुखिया जी को करवाए फोन, मुखिया जी क्या बोला नहीं बोला, वो बोला था कि हम आएंगे, लेकिन 8 दिन हो गया अभी तक ना आया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीप नारायण मांझी। कहाँ के रहने वाले? सनातन के। आपके गाँव सनातन में जो कोरका में ही पड़ता है जी, वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने तालाब को लेकर विरोध किया है, उसको लेकर आक्रोशित है, इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वहाँ पर निर्माण हो रहा है तालाब का, पहले तो वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है कि किस विभाग से पोखर का खुदाई हो रहा है, और हम जो गए सनातन वहाँ पर देखे स्थिति वहाँ का कि मूंग का जो खेती हो रहा था, जो रास्ता जाने का था किसान का, वो भी ट्रैक्टर से कुचले मतलब रास्ता भी वहाँ पर जाने के लिए नहीं रखा है, और पर्सनल मट्टी जो है खुदाई जो हो रहा है वो मट्टी पर्सनल किसी के खेत में गिराया जा रहा है, मूंग पे गिराया जा रहा है। किसान जो है वहाँ का जेन्युइन बात है, जो बहुत ही किसान आक्रोशित है उससे, और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, पूरा तरह से अनियमितता से वहाँ पर काम किया जा। शुभम कुमार भगत, युवा समाज सेवी पथरगामा पश्चिमी से, एक समाज सेवी के तौर पे समाज में है, भाजपा से हैं। मेन परेशानी यही है कि हम लोगों को रास्ता नहीं आया, अभी रहना पड़ता है सनातन में, सनातन से हमारा जमीन कचपुरा में, कचपुरा आने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा हम लोगों के पास। परेशानी यही है कि हम लोगों का ये जो तालाब है इससे कम से कम 100-200 बीघा जमीन पटवन होता है, और इसका खुदाई का कार्य चल रहा है, प्रारंभ है, प्रगति पर है, और इसका आज तक
ग्रामीणों ने इसका प्राकृत राशि का बोर्ड नहीं देखा है। अच्छा, क्या इसका एस्टिमेट है, कैस कितना खुदाई होगा, कैसे बनेगा, कहाँ सड़क है, कहाँ रोड है, कहाँ मैड बनाना है, कहाँ इसको मिट्टी डालना है, ग्रामीणों को ये भी पता नहीं है। लेकिन हम लोग ग्रामीण सभी मिलकर देखे, इन्होंने मेड को मजबूत नहीं करके गौचर जमीन पर मिट्टी डाल दिया है। अच्छा, और उसके बाद सनातन वासी हम लोग हैं सारे, कटपुरा मौजा का जमीन पड़ता है, हम लोग वहाँ के जमीन व्यवसाय करते हैं और घर आते हैं। लेकिन आज हम लोगों का कटपुरा मौजा जाने का रास्ता का विकल्प नहीं है। जिसके जमीन पर हम लोग जाकर पैदल चलते थे, वो अपना जमीन पर फसल लगाएंगे, मिट्टी भरवा रहे हैं, उससे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है और ना उस पर हम चल पाएंगे, लेकिन हम लोगों को रास्ता से वंचित हो रहे हैं। अभी खास दिक्कतें क्या हो रही हैं आप लोगों को? अभी दिक्कतें हो रही है, यही खुदाई हो रहा है, मेड मजबूत नहीं है, मेड पे ना ड्रेसिंग करता है और ना हम लोग जा पाते हैं और ना हम लोग रास्ता है, कठिनाई है। अभी हम लोग जो बिचड़ा तैयार करेंगे, ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं है, कैसे हम लोग बिचड़ा तैयार करेंगे? किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये तो ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा है। नाम जानते हैं? ठेकेदार का नाम नहीं जानते हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम जगन्नाथ मांझी हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? सनातन के हैं और यहाँ के वार्ड सदस्य में। मेन मामला तो हम लोग का रास्ता का है, जो हम लोग कटपुरा जाते हैं, हम लोग का जगह जमीन कटपुरा में पड़ता है और जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया और रास्ता ब्लॉक, और जो इनका पहला जो हमारे आप पहले बोल चुके हैं जगन्नाथ मांझी कि इसमें नहीं बोर्ड लगाया गया है, नहीं कोई नियम है, नहीं संविधान है, किस आधार पर काम कर रहा है, क्या करना है नहीं करना है, कोई जानकारी किसी को नहीं है। अच्छा। कितना खुदाई है, कितना खोद रहा है, तालाब में पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी खुदाई चल रहा है। अच्छा। बीच का हिस्सा का मिट्टी नहीं उठा। अभी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी रास्ता का, रास्ता का परेशानी। अच्छा, किसके द्वारा बनवाया जा रहा है ये? कैसे हम लोग बताएंगे? जब कौन है यहाँ के मुखिया? यहाँ के मुखिया कौन है? मुखिया श्रीमती नूतन कुमारी। पति? पति राजशेखर मंडल। कहाँ के रहने वाले? कोरका के। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ ललन मंडल। रहने वाले कहाँ के? सनातन। अभी जो कि बिहान बीच बीच बिचड़ा जोतेंगे, बोर्ड नहीं लगा है, पूरा और उल्टे कहता है कि एक इंच हमको नहीं दिया है उधर जाने के लिए, और देखिए कितना फसल बर्बाद है।